हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ व्रत में खाई जाने वाली इडली, अप्पम और आलू की सब्जी की रेसिपी। अगर आपको रेसिपीज वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं अप्पम, इडली और आलू की सब्जी बनाने की रेसिपी। इडली और अप्पम बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कटोरी सामक राइस, जिन्हें समा राइस भी बोलते हैं, सामवत राइस भी बोलते हैं, समो राइस भी बोलते हैं और मोरधन भी बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं 1.5 कटोरी और इन्हें मैंने 2 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था। इसके बाद हमें चाहिए 1/4 कटोरी साबुदाना, इन्हें भी मैंने कम से कम 2 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था। मैंने यहाँ पर मेजरमेंट के लिए एक ही बाउल का यूज़ किया है। इसके बाद अब हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार, उसमें हम समो राइस को और साबुदाना को ऐड कर देंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 5 टेबलस्पून दही। ध्यान रहे, यहाँ पर जो दही हम यूज़ कर रहे हैं वो खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास जो दही है वो खट्टा है तो आप 2 से 3 टेबलस्पून ही दही यूज़ करें। इसके बाद अब हम इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर हमें दरदरा पेस्ट नहीं बनाना है और ग्राइंडिंग के टाइम पे अगर आपको पानी की रिक्वायरमेंट लगती है तो आप 2-3 टेबलस्पून डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पेस्ट है वो बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच नमक। आप यहाँ पर वही नमक ऐड करें जो आप व्रत में यूज़ करते हैं। तो नमक को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पर इडली मोल्ड्स को ग्रीस करेंगे। ग्रीस करने के बाद अब हम यहाँ पर इनो ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर पूरा 1 शीशीट इनो का ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर हमें इनो को उस टाइम ऐड करना है जिस टाइम पर हम इडली बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इनो मिलाने के बाद जो बैटर है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट हो गया है। तो अब हम इस बैटर को इडली मोल्ड्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक ही बैटर यूज़ किया है इडली और अपम बनाने के लिए। बस फ़र्क इतना है कि जो इडली का बैटर है वो थोड़ा थिक रहता है और जो अपम का बैटर है उसमें हमें थोड़ा और पानी ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आधा बैटर ही यूज़ कर रही हूँ इडली बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इडली मोल्ड्स में बैटर को ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम इसे इडली मेकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर जब तक हमारी इडली बनती है, अब हम बनाते हैं अपम। तो जो बचा हुआ बैटर था उसमें हमें थोड़ा और पानी ऐड करना है। इसके बाद इस तरह से हमें अपम को बनाना है। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भर के पूरा पैन पर डाल दिया है और उसको थोड़ा सा चम्मच की हेल्प से फैला दिया है। और अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे ताकि जो अपम है वो ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए। वैसे अगर आप चाहें तो इसे दोनों तरफ से पका सकते हैं, बट मैं यहाँ पर एक ही तरफ से पका रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अपम जो है वो बनकर तैयार हो चुका है और बहुत अच्छी तरह से पक भी गया है। मैं थोड़ा सा आपको इसको पास से भी दिखा देती हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ कि इसमें कितने अच्छे से जालियाँ आई हुई हैं और ये कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। मैं इसे आपको पलट के भी दिखा देती हूँ ताकि आप देख पाएँ कि अपम जो है वो ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से अच्छे से पक चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है और कितने अच्छे से पका है ये। तो इसी तरह से हम एक एक करके सारे अपम को तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक ही बैटर से इडली और अपम दोनों चीज़ें बनाई हैं। तो अगर आप अपम बनाना चाहते हैं तो आप अपम बनाइए और इडली बनाना चाहते हैं तो इडली बनाइए। और अगर मेरी ही तरह दोनों चीज़ें बनाना चाहते हैं तो दोनों चीज़ें बनाइए और खाइए। यहाँ पर इतने बैटर से 3 पर्सन आराम से खा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी इडली बनकर भी तैयार हो चुकी है। आप देख पाएंगे कि इडली बहुत अच्छी तरह से फूली हुई है।
मैं आपको एक इडली निकाल कर भी दिखाती हूँ ताकि आप देख पाएं कि इडली जो है वो कितने अच्छे तरीके से बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स देखिए आप, इडली बहुत अच्छी तरीके से बनकर तैयार हुई है। मैं एक इडली को तोड़ के भी बताती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से एकदम सॉफ्ट और एकदम फूली फूली सी इडली बनी है। तो यहाँ पर मैं आपको अपम को भी दिखाती हूँ पास से, कितने अच्छे से अपम बने हैं और कितने अच्छे से जालियाँ आई हैं इस पे। तो यहाँ पर हमारे अपम और इडली बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम बनाते हैं आलू की सब्जी। इसके लिए मैंने लिए हैं 4 टेबल स्पून मूंगफली के दाने, जिन्हें हमें सेक लेना है। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें 1 चम्मच तिल, 2 चम्मच कोकोनट पाउडर। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से सेक लेंगे। यहाँ पर हमें पहले मूंगफली के दाने सेकने हैं और बाद में दूसरी चीज़ें ऐड करनी है, नहीं तो जो हमारी तिल है और जो कोकोनट है वो जल जाएंगे और मूंगफली के दाने सिक भी नहीं पाएंगे। तो हाँ, ध्यान रहे कि हमें पहले मूंगफली के दाने सेकने हैं, उसके बाद हम तिल और कोकोनट को सेकेंगे। इसके बाद अब हमें इन्हें ठंडा करके एक चटनी जार में निकाल लेना है। इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च और अदरक। अदरक ऑप्शनल है, अगर आप व्रत में खाते हैं तो यूज़ कीजिए, नहीं खाते हैं तो छोड़ दीजिए। इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक। नमक आप जो यूज़ करते हैं व्रत में वही यूज़ कीजिए। इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 चम्मच दही। ध्यान रहे कि दही बिल्कुल भी खट्टा ना हो। और अब हमें इसका एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने इसका पेस्ट बना लिया है। अब हम चलते हैं इसके तड़के की तरफ। तो यहाँ पर मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम किया है, उसमें 2 हरी मिर्च, 3 से 4 कड़ी पत्ते, आधी चम्मच जीरा और चुटकी भर हींग ऐड की है। सबके फ्राई हो जाने के बाद मैं यहाँ पर जो हमने पेस्ट बनाकर तैयार किया है उसको ऐड कर रही हूँ। इसके बाद अब हमें इस पेस्ट को 5 से 6 मिनट के लिए ढककर अच्छे से पका लेना है। तो यहाँ पर ग्रेवी अच्छे से पककर तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। मैं यहाँ पर जो हमने चटनी जार में पेस्ट बनाया था उसी में थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के क्यूब्स के शेप में कटे हुए आलू। वैसे तो आप चाहें तो यहाँ पर आलूओं को बॉईल करके भी डाल सकते हैं, डीप फ्राई करके भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पर कच्चे आलू ही ऐड कर रही हूँ। तो आलू को ऐड करने के बाद अब हमें इसे 6 से 7 मिनट, जब तक के आलू अच्छे से पक नहीं जाते हैं तब तक के पकाना है। तो यहाँ पर आलू पककर बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं। मैं आपको एक आलू काट के भी दिखाती हूँ। देखिए आलू अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ धनिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी आलू की सब्जी बनकर तैयार होती है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप मेरी और भी प्रीवियस रेसिपीज़ वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप मेरी और भी रेसिपीज़ वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।